नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिशतुर उपाध्याय। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही जहां हिंसा को लेकर राज्य की पुलिस और ममता सरकार बीजेपी के निशाने पर है, तो वहीं अब बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में नहीं पहुंचने वाले बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर केंद्र और ममता सरकार आमने सामने है। भले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अल्पन बंदोपाध्याय को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया हो, लेकिन अब अल्पन की जो मुसीबतें बढ़ गई हैं उसके बारे में तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। दरअसल इस मामले से परिचित एक अधिकारी ने कहा है कि केंद्र ने अल्पन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में सेवानिवृत्त IPS अधिकारी अल्पन बंदोपाध्याय को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया है। नोटिस का 3 दिनों के अंदर जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ FIR भी की जा सकती है। अधिकारी के मुताबिक DOPT के आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारी के खिलाफ विभाग की ओर से उपयुक्त कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। तो वहीं बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल नहीं होने को लेकर मंगलवार को ये कहते हुए नया विवाद छेड़ दिया कि लोक सेवा पर अहंकार हावी हो गया है। तो वे राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री 2400 घंटे जनसेवा में लगी हैं और राज्य के हितों को लेकर अपनी चिंता के मद्देनजर हर कदम उठाती हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल काडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी बंदोपाध्याय 60 साल के होने पर सोमवार को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन केंद्र ने मौजूदा COVID-19 महामारी के प्रबंधन में उनके काम को देखते हुए उन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के रूप में 3 महीने का कार्य विस्तार दे दिया था। इसके बाद केंद्र ने एक आकस्मिक फैसले में 28 मई को बंदोपाध्याय की सेवाएं मांगी थी और राज्य सरकार को प्रदेश के शीर्ष नौकरशाह को तत्काल कार्यमुक्त करने को कहा था। बनर्जी ने इस मामले पर सोमवार को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और बंदोपाध्याय को सेवानिवृत्त होने की अनुमति देने के बाद उन्हें 3 साल के लिए अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। लेकिन अब बंदोपाध्याय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खैर, अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय पर क्या कुछ एक्शन होता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।